नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड के शहरी क्षेत्र में आवासीय घरों को राज्य सरकार निःशुल्क वाटर कनेक्शन देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद यह फैसला नगर विकास विभाग ने लिया है। इस निर्णय से रांची में 2 लाख से ज्यादा घरों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री का नगर विकास एवं आवास विभाग को स्पष्ट निर्देश है कि हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, इसलिए पानी का कनेक्शन हर घर को मिलना चाहिए और वह भी निःशुल्क। इसको लेकर राज्य सरकार झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट चला रही है। रांची के सभी घरों को निःशुल्क टैप वाटर कनेक्शन दिया जाएगा। वही बीपीएल परिवारों के लिए निःशुल्क जलापूर्ति की व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की गई है। तो मुफ्त वाटर कनेक्शन दिया जाएगा। आधार कार्ड और बिजली बिल पर ही मिलेंगे वाटर कनेक्शन। राजधानी में 2 लाख से अधिक घरों में कनेक्शन देने की तैयारी। हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए निःशुल्क कनेक्शन दिया जाएगा। अभी पानी कनेक्शन के लिए 10 से 15 हजार खर्च करने पड़ेंगे। नए कनेक्शन के साथ वाटर मीटर भी लगेगा। तो झारखंड के शहरी क्षेत्र में आवासीय घरों को मुफ्त वाटर कनेक्शन मिलेगा। सीएम के निर्देश के बाद नगर विकास विभाग ने यह निर्णय लिया है। राजधानी में 2 लाख से ज्यादा घरों को इसका फायदा मिलेगा। तो बीपीएल परिवारों को मुफ्त पानी मिलेगा। सामान्य परिवारों को हर महीने 5000 लीटर मुफ्त पानी दिया जाएगा। 5000 लीटर से ज्यादा पानी खर्च करने पर 1.5 गुना बिल आएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धनबाद से दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, सरकार बहुत ही अच्छा फैसला ली है कि अब मुफ्त में वाटर कनेक्शन मिलेगा। देखिए, बहुत बड़ी पहल है और बहुत बड़ी योजना है। मुफ्त कनेक्शन लोगों को दिया जाएगा और खास करके जिन इलाकों में पानी की समस्या ज्यादा है और जो पानी का लेयर है, अगर वो हैंडपंप पे निर्भर करते हैं, डीप बोर पे निर्भर करते हैं, वहां पे चला गया। धनबाद में भी नगर निगम को टारगेट मिला हुआ है। नगर निगम में 1.5 लाख कनेक्शन करने की जिम्मेवारी उठाई और बहुत जल्द 1.5 लाख लोगों को पानी का कनेक्शन देगा। लेकिन सवाल पानी का कनेक्शन का नहीं है, निःशुल्क कनेक्शन का नहीं है। सवाल ये उठता है कि आप जो कनेक्शन देंगे, क्योंकि वाटर क्राइसिस धनबाद के कोयलांचल क्षेत्र में हमेशा से बड़ी समस्या रही है, तो आप किस तरह से कनेक्शन देने के बाद पानी सप्लाई किस तरह से बाधित ना हो, इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे? क्योंकि कई सवाल अब भी उठ रहे हैं। कई लोगों ने वाटर कनेक्शन लिया है, 2-2 साल हो गए, लेकिन उनके घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा और वो निगम के दफ्तर के चक्कर बराबर लगा रहे हैं। कई लोग हम लोगों से भी संपर्क किए हैं और हम लोगों ने भी पहल की कि उनका जो पानी कनेक्शन लेने के बाद भी उनके घर में पानी नहीं पहुंच रहा, तो उनको कैसे सुनिश्चित किया जाए। लेकिन एक अच्छी पहल है, 1.5 लाख लोगों को धनबाद में लाभ पहुंचाने की ये योजना है और बहुत बड़ी योजना है। लेकिन योजना को किस तरह से आगे अमली जामा पहनाया जाएगा, किस तरह से लोगों को चिन्हित किया जाएगा, किस तरह से लोगों को कनेक्शन दिया जाएगा, वाकई में जिनको कनेक्शन दिया जा रहा है वो जरूरतमंद है या फिर गैर जरूरतमंद को कनेक्शन दिया जा रहा है, तमाम बातों को जांच करने की जरूरत है। लेकिन जो योजनाएं सरकार ने बनाई है, निःशुल्क कनेक्शन देने का एक बड़ी योजना है। जी जी दिलीप, क्या आधार रहेगा, ऐसा क्या कुछ प्रूफ रहेगा जिसके थ्रू कनेक्शन दिया जाएगा वाटर कनेक्शन? देखिए, वाटर कनेक्शन के लिए जो अमूमन बनाए जाते हैं, आपके पास बिजली कनेक्शन के कागजात होने चाहिए, आधार कार्ड होने चाहिए, रेसिडेंस एड्रेस होने चाहिए, आप जिन इलाकों में रह रहे हैं किस तरह से पानी का, किस तरह से कनेक्शन का, पानी का क्या वाटर क्राइसिस का किस तरह से देखते हैं, या फिर जो कनेक्शन उस इलाके में गए हैं कितने लोग पहले से कंज्यूमर बने हुए वाटर कनेक्शन का, पाइपलाइन की क्या व्यवस्था है, तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये योजना पे आगे काम करेगी। निगम, नगर निगम ने पहल भी शुरू कर दी है, जो कमेटी है वो भी कमेटी बना दिए गए हैं, कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उस रिपोर्ट के आधार पे वाटर कनेक्शन दिए जाएंगे। लेकिन सवाल मेरा फिर से वही है, वाटर कनेक्शन देना और इस योजना को आगे बढ़ाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप वाटर कनेक्शन देंगे, जो लोग, जो लाभार्थी होंगे उस योजना से जुड़ेंगे, उन्हें कैसे समुचित इस योजना का लाभ मिल पाए, पानी का जो वाटर क्राइसिस जो हमेशा रहती है वो वाटर क्राइसिस उन्हें झेलना ना पड़े, और जो पानी सप्लाई होंगे उनको सुनिश्चित किया जाएगा कि आपको 2 टाइम पानी मिलेंगे या 3 टाइम पानी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि निःशुल्क कनेक्शन मिल रहा है वो निःशुल्क कनेक्शन ले लें और निःशुल्क कनेक्शन के दौरान
कहीं सिक्योरिटी मनी ना मांगा जाए कि आपके यहाँ ये मीटर लगेगा, वाटर कनेक्शन के समय जो मीटर लगाए जाते हैं उसकी क्या दर तय की जाएगी। तो ये तमाम बातों पे अभी चर्चा होनी बाकी है, चर्चा के बाद समझ में आएगा कि ये इस योजना से लोगों को कितना फायदा होगा। जी जी दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि वाटर कनेक्शन निःशुल्क दे दिया जा रहा है, लेकिन इसको सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ रांची से अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि पहला तो ये आ रहा है कि अब पानी की समस्या नहीं होगी लोगों को, दूसरा ये कि अगर वाटर कनेक्शन मुफ्त दे भी दिया जाए लेकिन अगर सुचारू रूप से नहीं चलेगा तो फिर लोगों को फिर से वही परेशानी झेलनी पड़ेगी। देखिए अमन, मुख्य तौर से यदि हम देखेंगे तो पानी जो है हर कोई को मिले, और इसको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि हर कोई को पीने का पानी जो है वो उसको मिलना उसका एक अधिकार है, और यही वजह है नियमों को सरलीकरण किया गया है, और किसी भी तरह की परेशानी जो है जो उपभोक्ता हैं, जो शहर के लोग हैं, राज्य के जो लोग हैं, उन्हें परेशानी नहीं हो, यही वजह है कि सरकार की जो पॉलिसी है अमृत जल योजना के तहत तमाम चीज़ों का निर्धारण किया गया है। क्योंकि तो अमूमन होता ये था कि जैसे वाटर कनेक्शन लेने के लिए काफ़ी पैसे लगते थे और काफ़ी दौड़ धूप चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन जिस तरह से सरलीकरण किया गया है कि आप आधार कार्ड लेकर, पहले था होल्डिंग नंबर है तब आपको कनेक्शन मिलेगा, लेकिन सरकार की जो योजना है कि जिसके पास आधार कार्ड है उसे भी जो है ये पानी का जो कनेक्शन है वो दिया जाएगा, और 5000 लीटर तक पानी जो है मुफ्त देने की बात कही गई है। तो हमें लगता है कि सरकार की जो नीति है, सरकार की जो पॉलिसी है कि हर लोगों को जो है स्वच्छ और पानी मिले ताकि किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, क्योंकि पानी देना और पानी लेने में पहले जो है परेशानी होती थी। तो हमें लगता है कि सरकार की जो नगर विकास विभाग की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं वैसे लोगों के लिए भी राहत लेकर आई है जो पानी का कनेक्शन के लिए पहले काफ़ी दौड़ धूप लगाते रहे थे और उन्हें कनेक्शन मिलने में परेशानी हो रही थी। तो एक बड़ा फैसला है, और अब देखना होगा आने वाले समय में जो तमाम जो इससे जुड़े जो आला अधिकारी हैं और सरकार की नीतियों को लेकर कैसे घर घर तक पहुंचते हैं और घर घर तक कैसे पानी पहुंचाया जाता है, तो एक बड़ा फैसला हम कह सकते हैं। अमन जी, अंजनी की जैसे 5000 लीटर पानी देने की बात हो रही है, और अगर उससे ऊपर अधिक अगर पानी खर्च होता है तो क्या चार्जेस भी जुड़ेंगे? हाँ देखिए, पहली बात तो ये है कि 5000 लीटर की जो मात्रा है वो भी काफ़ी है, तो हमें लगता है कि 5000 के बाद यदि पानी की संख्या बढ़ती है तो उसमें सरकार जरूर उसमें चार्जेस करेगी, और वो चार्ज जो है उपभोक्ताओं को देना होगा। लेकिन जो बीपीएल हैं, जो बीपीएल कार्डधारी हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लिए ये बाध्यता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन जो बीपीएल जो गरीबी रेखा से ऊपर है तो उनके लिए ये बाध्यता जरूर है कि आपको 5000 लीटर के बाद जो है वो चार्जेस आपको देना होगा। तो जिस तरह से बताया गया है कि 9 रुपये का उसका दर होगा, तो उसके बाद आप जितना खर्च करेंगे तो वो 9 रुपये से मल्टीप्लाई होता जाएगा। फिर भी जो चार्जेस है बहुत नहीं रखे गए हैं, लेकिन ये भी बात है अमन कि सरकार यदि मुफ्त में पानी दे रही है तो आप पानी की बर्बादी भी नहीं करें, ऐसा भी नहीं कि पानी है तो उसको आप बर्बाद करते रहें। तो इसके लिए जो ग्राहक हैं, जो शहर के लोग हैं, राज्य के जो लोग हैं, पानी का सम्मान करना होगा, पानी बचाना होगा, बेवजह पानी की बर्बादी नहीं करनी होगी, क्योंकि सरकार जब इतना सोच रही है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम पानी बेवजह बर्बाद नहीं करें। अमूमन जहाँ एक मग पानी से काम चलेगा, कुछ आप काम कर रहे हैं तो कई लोगों को आप देखेंगे कि जो बेसिन में नल खोल करके वो कंटिन्यू पानी से खेलते हैं, तो ऐसी जो आदतें हैं उस पर भी हमें अंकुश लगाना होगा ताकि जल जो है, जो पानी जो है वो बचे
और हमारी जो जरूरत है वो पूरा हो और हर कोई को पानी जो है मिलता रहे। जी अंजनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सीएम के निर्देश के बाद अब मुफ्त वाटर कनेक्शन मिलेगा आपको, और मुफ्त वाटर कनेक्शन जो है 5000 लीटर तक आपको मुफ्त पानी दिया जाएगा। अगर आप उससे ज्यादा खर्च करते हैं पानी तो उस पर चार्ज जुड़ेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।